नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर फाजिल्का रोड पर पड़ते गांव खाई फेमे में हुआ एक भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 10 घायल। संगरूर के अधीन आते गांव बखोरा कला में पति पत्नी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, घर बनाने के लिए कर्ज को ना चुका पाने से थे परेशान। बठिंडा के धोबियाना बस्ती में दुकान खाली करवाने को लेकर हुई लड़ाई में पुलिस ने 5 दोषियों को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर फाजिल्का रोड पर पड़ते गांव खाई फेमे में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार गाड़ी की बस के साथ टक्कर हो गई, जिस कारण 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 के करीब लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु फिरोजपुर के सिविल अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं इस दुखदायी घटना की सूचना मिलते ही फिरोजपुर शहरी के विधायक रणबीर सिंह भुल्लर, डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान, एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू, सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र पाल और जिला माल अधिकारी अरविंद प्रकाश वर्मा सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान सिविल अस्पताल में विधायक, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने मृतकों और घायलों के पारिवारिक सदस्यों के साथ दुख प्रकट किया और कहा कि मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर मृतकों की देहों को जल्द ही उनके घर पहुँचाया जाएगा और घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। हाँ जी, बस स्किड करके गड्डी नाल एक्सीडेंट हो गया। टोटल 14 सी टीचर्स, अनफॉर्चुनेटली 4 की डेथ हो गई है, बाकी सारे आउट ऑफ डेंजर ने। प्रशासन ने जो भी उन्होंने मदद की जा रही है, रेड क्रॉस वालों उन्होंने सारा मदद की। 7:15 बजे खाई पिंड के होया जी, और उस बस के नाल तूफान गड्डी टकराई है और उस 3 जिहड़ियां मौतां मौके पर हो गई जी, और एक मौत बागी हॉस्पिटल के आके आने रस्ते हो गई, सरवाइव नहीं कर पाए, और जिहड़े बाकी आ वो सारे इलाज के बागी हॉस्पिटल के इलाज हो रहा, और उन्होंने एक पेशेंट जोड़ा आ वो थोड़ा सीरीयस आ, बाकी सारे अंडर कंट्रोल ने, सारे सीटी स्कैन सब कुछ हो गया। मौके पर मैं पहुँच गया सीगा और उस तो बाद मैं हॉस्पिटल के अंदर ही हमने निकलिया ICU चो एमरजेंसी का, और तकरीबन जो मैक्सीमम हो सकता सीगा बड़ी जल्दी के डॉक्टर अवेलेबल सी और हॉस्पिटल स्टाफ ने पूरी तनदेही नाल मेरे सामने बड़ी मेहनत की है। संगरूर के लहरागागा के अधीन आते गांव बखोरा कला में घर बनाने के लिए कर्ज से परेशान पति पत्नी ने अपने ही घर में भूसे वाले कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव के लोगों ने बताया कि इनके पास एक छोटा घर था, ये 2 भाई थे, इन्होंने 8 लाख रुपयों का कर्ज लेकर अपना नया घर लिया था और उसी कर्जे को वापस करने की टेंशन दोनों पति पत्नी पर थी, जिसके चलते वे परेशान रहते थे, इसी कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। वही घटना की सूचना मिलते ही DSP लहरागागा पुष्पिंदर सिंह ने कहा कि मृतक रघुबीर सिंह और उसकी पत्नी संदीप कौर ने 8 लाख रुपए एक निजी कंपनी से कर्ज लिया था और वे इस कर्ज को वापस नहीं कर पा रहे थे, इसी से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। इनके 2 बच्चे हैं, फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर उनका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। इन्होंने ना घर थोड़ा जा तंग किया, इन्होंने 8 लाख का जो पैसा है नहीं देना लवे भी, चल 2 भाई ने जिथे रह रहे थे उत्थे इक्के कमरा ती आ, ते इन्होंने जगह लती थी 8 लाख की, ते वो कर्जा उतरे नहीं है जिहड़ी इन्हां दे घर वाली थी उन्हों का, तो बीमारी तो उन्होंने भी डेली दवाई चलती थी, मतलब हज़ार के हिसाब न डेली दवाई चलती थी, तो उस तो इन्होंने तंग आके 2 बच्चे ने इन्हें, एक गुड़ी है एक बेटा है, तो तंग आके इन्होंने गलफराहा लैके दोवे ने कट्ठी
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਫਰਾਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਖੋਰਾ ਕਲਾਂ ਦੋਏ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖੋਰੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਖੋਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਰਾਤ ਗਲਫਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਨ 176 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ गत दिनों बठिंडा के धोबियाना बस्ती में दुकान खाली करवाने को लेकर हुई लड़ाई में सिविल लाइन थाना पुलिस ने 5 दोषियों को गिरफ्तार किया है। इस मौके पर सिविल लाइन थाना के SHO यादविंदर सिंह ने बताया कि धोबियाना बस्ती में लगभग 4 दिन पहले दुकान खाली करवाने को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई थी। इस दौरान एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए थे, जिस कारण एक पक्ष का पारिवारिक सदस्य बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके बयानों के आधार पर 5 दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो फरार चल रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। बेसिकली पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, दो पार्टियों ने आपस में लड़ाई झगड़ा से जब पुलिस गई तो उसे ऑलरेडी पथराबाजी हो चुकी थी, तो इससे साढ़े चौंकी इंचार्ज बलविंदर सिंह वालों परचा दर्ज करके 5 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दोषियों की भाल में साड़ी पुलिस पार्टियां लगी हुई, जल्द ही बाकियों को भी ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਆਂ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇਬਰਸ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਪਰ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਕੇ ਤਹਿਤ ਨੌਰਥ ਖੇਤਰ ਕੇ ACP ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ACP ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤੱਤਵੋਂ ਪਰ ਨਕੇਲ ਕਸਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਸਵੱਛ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की गाड़ियों पर काली फिल्में लगी हुई हैं और जो बिना नंबर की गाड़ियों पर घूम रहे हैं, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, तो वहीं ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए रोड पर लोगों द्वारा नाजायज कब्जे करने को लेकर व कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए और लोगों में अमन शांति बनाए रखने के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ RAF ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। DC मार्केट जालंधर की ओर से प्रधान प्रदीप खुल्लर की अगुवाई में शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का शहीदी पर्व मनाया गया। इस दौरान शहीदों को नमन करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर प्रदीप खुल्लर ने शहीदों को फूल भेंट कर याद करते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की शहादत के चलते ही हम लोग आज़ादी से जी रहे हैं और आराम की नींद सो रहे हैं। इस मौके पर विंकल बिल्ला, कमल कुमार, डॉक्टर बलकार चंद, साहिल भगत, सोनू मेहता, सुरजीत सिंह भुल्लर, चरणजीत बिट्टू, कमलजीत साबी, लक्की फ्लावर, मन्ना अवतार सिंह, हरीश कुमार, बबलू कुमार, मोहित, दीपक मेहता सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। अंत में लंगर का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज 23 मार्च है, आज दे दिन एक महान शहीद जिन्होंने
भारत देश नूं आजाद कराउण दे लई साडे सारयां नूं आजाद कराउण दे लई अपनी शहादत दित्ती। छोटियां उमरां दे विच देश नूं आजाद करन दे लई कराउण दे लई अंग्रेजां नाल लोहा लिया ते फांसियां दे रस्सियां नूं चुम्मिया। सत्कारयोग शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, अज उन्हां दा स्मृति दिवस है, उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा। अज उन्हां दे शहीदी दिहाड़े दे उत्ते असी सारे साथी डीसी मार्केट एसोसीएशन असी सारे मैंबर साहबान नावां दे विस्तार च ना जांदा होया असी सारे मैंबर साहबान ने अज डीसी मार्केट दे विच जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी नूं, राजगुरु जी नूं, सुखदेव जी नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते है, उन्होंने नमन करते हैं कि उन्हां दी शहादत दे करके अज असी साडे परिवार साडे कारोबार जिहड़े आजाद है, असी इस आजाद मुल्क दे वासी हाँ। मैं उन्हां दे चरणां दे विच नमन करदा ते परमात्मा दे अगे अरदास करदा कि साडी जिहड़ी डीसी मार्केट एसोसीएशन है इसे तरह ही मोढ़े नाल मोढ़ा मिला के कदम ना कदम ला के चलती रहे तो समाज की सेवा करती रहे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस को समर्पित फिरोजपुर के हुसैनीवाला शहीदी स्थल में पंजाब ब्लड ग्रुप और सिविल अस्पताल फिरोजपुर की ओर से गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट के सहयोग से खूनदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस मौके पर पंजाब ब्लड ग्रुप के प्रधान राजीव कुमार ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस को समर्पित खूनदान कैंप लगाया गया है, जिसमें सिविल अस्पताल फिरोजपुर और गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट के माहिर डॉक्टरों और उनकी टीमों के द्वारा पूरा सहयोग दिया गया। उन्होंने बताया कि 100 के करीब ब्लड यूनिट दान किया जाएगा, जिससे कई जरूरतमंदों की जान बचेगी। तो वहीं डॉक्टर नवनीत सिंह और डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि खूनदान एक महादान है, जिससे किसी की जिंदगी बच सकती है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में एक आदमी 4 बार रक्तदान कर सकता है और औरत 3 बार खूनदान कर सकती है। उन्होंने बताया कि खूनदान करने से इंसान कई बीमारियों से भी बच जाता है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। मॉर्निंग एवरीवन, आज जैसे कि हम ये ब्लड डोनेशन कैंप पे सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर ब्लड बैंक से टीम आई है और अब तक ये कैंप जो लगाया पीबीजी वेलफेयर क्लब ने लगाया, ये हर साल हमें 23 मार्च को देते हैं यहाँ पे कैंप, तो अब तक अराउंड 10 से 12 डोनर्स हो चुके हैं और उम्मीद है कि 100 तक हो जाएंगे। अब जैसे ये आजकल हमारे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत शॉर्टेज चल रही है ब्लड की, जैसे डेली के हमारे 25-30 यूनिट्स की मतलब इशू होते हैं और ये जो ब्लड है थैलेसीमिया वालों को, कैंसर पेशेंट को, सबसे ज़्यादा ज़रूरत एंटीनेटल केसेस को, फीमेल्स डिलीवरी वाली इनको जाता है, मतलब मेनली कह लो 20 यूनिट तो उन्हीं को जाते हैं, बाकी 5 जैसे एक्सीडेंटल विक्टम्स, तो इस हिसाब से हमें एटलीस्ट 500 तक तो हमारा होता ही है, एक महीने में इतने ब्लड जाता है, तो हमें इस हिसाब से कैंप भी मतलब बहुत ज़रूरी है। अज शहीद आजम, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव जी की जो शहीदी दिवस है उन्होंने देखते हुए पंजाब ब्लड ग्रुप कोटकपुरा वालों, रैड क्रॉस सोसायटी पंजाब, हिमालय सेवियर्स निष्काम सेवा वालों अज फिरोजपुर बॉर्डर हुसैनीवाला उत्ते खूनदान कैंप लगाया गया है, ताकि जो शहीदों असी एक मैसेज दे सकिए कि अज भी जो साडे नौजवान पीढ़ी है वह शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी के दस्से राह ते चल रही है। ये जी असी थैलासीमिया बच्चों एक साडा मैसेज है साडी टीम वालों कि थैलासीमिया बच्चों ते डायलिसिस पेशेंट है जो कैंसर पेशेंट है उन्होंने ये खूनदान इकट्ठा किया जाता है, तो फिरोजपुर टीम सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज फरीदकोट वालों एक ब्लड लेके जाया जा रहा है, तो उत्थे ही ये ब्लड की यूसेज की जाएगी। माँ के पावन नवरात्रों के चलते सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में माँ की पूजा अर्चना हेतु भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दूर से भक्त माँ के पावन दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और प्रतिदिन सायं भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए राजगुरु पंडित राजकिशोर शर्मा ने बताया कि मंदिर को रंग बिरंगी सुंदर लाइटों व फूलों से सुसज्जित किया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को माँ त्रिपुर मालिनी जी का वार्षिक मेला बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी संबंध में मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से सभी तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं,
तो वहीं जो जो भक्त श्रद्धा के अनुसार लंगरों का आयोजन करते हैं उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसलिए उन्होंने सभी माँ भक्तों से अपील की कि वे बढ़ चढ़ कर माँ त्रिपुर मालिनी के मेले में भाग लें। वहीं उन्होंने कहा कि वे 29 मार्च को श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर भी मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसलिए उन्होंने सभी राम भक्तों से अपील की कि वे इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। माता रानी के पावन नवरात्रे चल रहे हैं, आज द्वितीय दिवस है। कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे थी कूष्मांडे थी चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते थी षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमम कालरात्रि थी महागौरी थी चाष्टमम नवमम सिद्ध धात्री च नव दुर्गा प्रकृतता। माता रानी के नव दुर्गा के पावन दिवस में ये भव्य दिव्य देवी तालाब मंदिर का प्रांगण सजा हुआ है। नवरात्रों के बीच में अनेक भक्त आ रहे हैं, विदेशों से भी भक्त आ रहे हैं और यहाँ पर माँ त्रिपुर मालिनी का पावन दरबार है। 7 अप्रैल को माँ त्रिपुर मालिनी का मेला है जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। लोगों की अटूट अपार श्रद्धा भक्ति है, यहाँ जो भी अपनी कामना लेके आता है उसकी समस्त इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी तरह से उसके जीवन में सारे कष्ट संकटों की बाधा दूर होकर उसको खुशहाली जीवन मिलता है। और यह माँ त्रिपुर मालिनी का माँ दरबार है, यहाँ माँ बहुत ही पावन दिव्य दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है, सभी तरह से सभी का कल्याण होता है और सभी के जीवन में अपार खुशी आती है। श्री देवी तालाब मंदिर में सजावट हुई है और सभी के जीवन में खुशियाँ ऐसी। माता रानी से मैं सभी के मंगल की प्रार्थना करता हूँ। माता रानी अपार कृपा बसाए, माँ बहुत ही करुणामयी ममतामयी माँ हैं। माँ त्रिपुर मालिनी के दरबार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं गया है, जिसकी जो इच्छाएँ कामना वो संपूर्ण पूर्ण होती हैं। ऐसी माँ भगवती सभी पर अपनी कृपा बरसाएं और सभी तरह से कल्याण करें, सभी के जीवन में अपार खुशियां दें। बोलो त्रिपुर मालिनी माता की जय। श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 में चल रही माता की चौकियों का आयोजन भजन संध्या के रूप में बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है, जिसमें नवरात्रों के भजन संध्या के दूसरे दिन विश्व विख्यात भजन गायक मास्टर वरुण मदान एंड पार्टी ने अपनी मधुर भेंटों का गुणगान कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बनाया। इस मौके पर मंदिर के प्रधान राजेश अग्रवाल ने भजन गायक वरुण मदान को मां की चुनरी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अंत में प्रसाद रूपी लंगर का वितरण भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कुश चावला के साथ कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर भाजपा द्वारा लगाए गए खूनदान कैंप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण चुग विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान जहां उन्होंने शहीद भगत सिंह की शहादत को नमन किया, तो वहीं उन्होंने बताया कि शहीद भगत सिंह को शहीद आजम का दर्जा दिया गया है। जो लोग उन्हें आतंकवादी की नज़र से देखते हैं, उनकी सोच आज भी अंग्रेज सरकार के समय की है। उन्होंने देश के लिए जो किया उसे भुलाया नहीं जा सकता और हर देशवासी को उनकी शहादत पर गर्व है, इसलिए उन्हें शहीदों का सरताज शहीद आजम कहकर संबोधित किया जाता है। तो वहीं ऑपरेशन अमृतपाल को लेकर उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन में भारतीय दूतावास को निशाना बनाकर तिरंगे का अपमान हुआ है, ये हमारी गरिमा के साथ खेला गया है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। जो भी घटना ब्रिटेन में घटी है वह दुखदाई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अमृतसर वालों शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव दे शहीदी दिन ते ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप लगाया गया। भगत सिंह दी सोच सारयां नूं नाल लैके चलन दी सोच, देश दी तरक्की दी सोच, देश वास्ते काम करन दी सोच, ये भारतीय जनता पार्टी दी गुड़ती च है, साडे DNA च। असी अपने कार्यकर्ता नूं शुरू तो ये गल कहिंदे आए हैं और साडा कार्यकर्ता और अनुसरण भी करता है कि नेशन फर्स्ट पार्टी सैकेंड और इंडिविजुअल थर्ड। ये साडी केवल
ये साड़ी कमिटमेंट है, केवल नारा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 साल के इतिहास के अंदर उस रस्ते से चल के दिखाया जड़ा रस्ता भगत सिंह ने चुनिया सी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव साड़ी आइडियल ने और भारतीय जनता पार्टी पंजाब आज पूरे पंजाब शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तिना की शहादत पर लगातार कार्यक्रम कर रहे। चैत्र नवरात्रों के चलते मां भक्तों ने पूजा अर्चना करने के बाद श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर और श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 में श्री दुर्गा स्तुति पाठ का आयोजन किया, जिसमें मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली की सदस्याओं ने दुर्गा स्तुति का पाठ कर भजन संकीर्तन भी किया, जिसके बाद आए हुए मां भक्तों में व्रत वाला प्रसाद भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कुश चावला के साथ कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या करवाई जा रही है। दूसरे दिन भजन संध्या की शुरुआत गायक नवीन मनी एंड पार्टी ने सरस्वती वंदना के साथ की, जिसके बाद उन्होंने मधुर स्वर लहरियों से मां की मनमोहक भेंटों का गुणगान किया। वहीं श्री राम भगवान के सुंदर भजन सुनाकर सभी मां भक्तों को 29 मार्च को श्री देवी तालाब मंदिर से निकलने वाली श्री रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होने का संदेश दिया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, मंदिर के प्रमुख सेवादार व मंच संचालक बलदेव आनंद, रमन शर्मा, इंद्रजीत सिंह राही सहित बड़ी संख्या में मां भक्त शामिल हुए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज महारानी का पावन दूसरा नवरात्रा है आज, और इसे तरह नवरात्रों की हर शाम मां के नाम के आयोजन शुक्रवार शिव भारद्वाज जी मां के चरणा च हाजरी भरनगे। हर नवरात्रे मां के चरणा च आके 7:30 बजे तो लैके 9:30 बजे तक कलाकार हाजरी भरनगे। 28 तरीक तक ऐसे तरह हाजरियां होनगियां नवरात्रियां दे विच। 29 तरीक नूं मर्यादा पुरशोत्तम प्रभुराम जी की जो शोभा यात्रा संत समाज के आदेश के नाल हुणे निश्चित होई है महाराणी दे इस दरबार तो दोपहरे 2 बजे 29 तरीक दिन बुधवार दोपहरे 2 बजे प्रभु राम जी की शोभा यात्रा महाराणी के इस दरबार तो निकलनी है। सारी संगत अगे बेनती करते हैं, श्री शीतल बिंद जी प्रधान श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी बेनती करते हैं कि हुमा के पहुँच के प्रभु राम जी का आशीर्वाद लेना है। महाराणी का आशीर्वाद भी थोड़े नाल होएगा। अपने वध संगत को लैके आओ ताकि शोभा यात्रा में थोड़ी भी जग के आहूति पै जाए। ये सारी बेनती है सारी संगत दे अगे। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। ज्योत जगा के तानू घर च बुलाया है, ज्योत जगा के तानू घर च बुलाया है। आओ मात जी चंदन की चौकी उते
आसन बिछा के मां आसन बिछा के मां आसन बिछा के मां तेरी सुंदर मूरत नु तेरी सुंदर मूरत नु दिल च बसा के मां दिल च बसा के मां दिल च बसा के मां जो तू नूरानी बिच मां ध्यान लगाया हो जो तू नूरानी बिच मां ध्यान लगाया है ओ मात जी मात जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਓ ਮਾਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਬਲੋਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਰੇ ਇਹ ਨਰਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੈਣ ਲੱਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰੂਫ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾ ਜਾਗਰਣ 'ਤੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਲਓ ਮਿਲਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਤਲਾ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਵਿੱਜ ਜੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬੈਠ ਜੀ ਔਰ ਸਮਸਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ श्री राम मंदिर बस्ती दानिशमंदा जालंधर में श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 22 मार्च से लेकर 29 मार्च तक दुर्गा स्तुति के पाठ सायं 4 बजे से 6 बजे तक करवाए जा रहे हैं जिसके चलते मंदिर प्रांगण में उपस्थित भक्तों ने दुर्गा स्तुति के पाठ कर मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया इस मौके पर मंदिर कमेटी के चेयरमैन बलदेव राज चौहान ने बताया कि श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 24 मार्च से लेकर 29 मार्च तक प्रातः प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी उन्होंने सभी राम भक्तों से इन प्रभात फेरियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की इस मौके पर प्रधान सतनाम अरोड़ा सचिव महेश सोडी कोषाध्यक्ष जनक राज सतपाल बिंदु हरबंस लाल अरोड़ा शिव कुमार शर्मा दिनेश कुमार किशन लाल सोनिक सविता रानी प्रियंका नीरू डिंपल ज्योति सुमन कांता संयोगिता संगीता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट ਮਾਂ
श्री राम जन्म उत्सव कमेटी श्री राम मंदिर न्यूरसला दानिशवंदा जालंधर में विगत वर्षों की भांति श्री राम स्तुति द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी संस्था नमतस्य 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 नमो नमः माँ नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी रूप में सभी मातृशक्ति द्वारा माता की सुंदर स्तुति राम मंदिर में होती है, जिसका समय शाम से चार से छः बजे है। तो सभी भक्त बड़े श्रद्धा से आते हैं और माँ के गुणगान करते हैं। माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करती है, ये पूरे हमको विश्वास है। आगे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते प्रथम शैली पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीय चंड घंटेति कुष्माण्डे चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति षष्ठी कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिते सर्व मंगल मंगली शिवे सर्वा साधके त्रणे त्रम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म की ओर से शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव व सैकड़ों योद्धाओं की शहादत को समर्पित मोटरसाइकिल मार्च लुधियाना से खटकड़ कला से होता हुआ नाभा में पहुंचा। ये मार्च 25 मार्च को संगरूर के उबावाल में जाकर समाप्त होगा। इस मौके पर आईडीपी की नेशनल कमेटी के सदस्य हमीर सिंह लुबाना और राज्य प्रधान दर्शन सिंह धनेठा ने कहा कि शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजों को देश में से निकालने और देश में बराबरी इंसाफ और सत्ता में लोगों की हिस्सेदारी वाले समाज के निर्माण के लिए 23 मार्च 1931 के दिन शहीदी दी थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीदों की इस कुर्बानी को वे नमन करते हैं और इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जो लोग मूवमेंट आ चले अंदोलन चाहते हैं सब तो पहला चैप्टर होता जागरूकता का होता है। दूजी गल यह भी होंगी है कि तुम कि लीडर बार बार लोगों के सामने पेश करना है। शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वर्गे बंदे जेडे आपा बार के लोगों एक प्रेरणा स्रोत बने, दूजे पास अज के करप्ट लीडरशिप है। लोग यदा कंपैरिजन करते हैं, ख्वाहिश उन्हों की यही है कि सानू योजे ऑनैसट लीडर मिलन। इस लैवल की गल जेकर उस लैवल की लीडरशिप मिले तो अज पंजाब का यह हाल नहीं सी होना, जिथे जबरी माइग्रेशन हो रही है कि आईलैट्स करके सारे उठ जाना चाहते हैं पंजाब के सुइसाइड हो रहा है किसान मजदूर का, ड्रग के कितने इशू फसे हुए हैं, कदे कोई खालिस्तान अमृतपाल का इशू चल गया, कदे फलाना दो नंबर के इशू बन जाते हैं। लोगों के मुद्दे उत्थे ही खड़े रहते हैं। इस करके बहुत जरूरी होंगे बार बार दोहरा दृढ़ा कि नंबर एक साड़ी लीडरशिप हो जी हो, नंबर दो ये साढ़े मुद्दे उस लोगों के सामने आने जोड़े मुद्दे लगातार उन्होंने जिंदगी प्रभावित करते हैं। रुजगार का मुद्दा सब तो महत्वपूर्ण होंगे, गरीबी अमीरी का गैप सब तो साढ़ा पानी मुक् चले है, बीमारियां बढ़ रही ने, कि पंजाब के बारे कहा जा रहा बंजर हो जा रहा है। श्री राम मंदिर बस्ती दानिशमंदा जालंधर में श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में पहली प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर इलाके की परिक्रमा कर वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रभु भक्तों ने भगवान श्री राम जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के चेयरमैन बलदेव राज चौहान ने बताया कि श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में 24 मार्च से लेकर 29 मार्च तक प्रातः प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। उन्होंने सभी राम भक्तों से इन प्रभात फेरियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। इस मौके पर प्रधान सतनाम अरोड़ा, सचिव महेश सोडी, कोषाध्यक्ष जनक राज सतपाल बिंदु, हरबंस लाल अरोड़ा, शिव कुमार शर्मा, दिनेश कुमार, किशन लाल सोनिक, सविता रानी, प्रियंका, नीरू, डिंपल, ज्योति, सुमन, कांता, संयोगिता, संगीता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। प्रभु श्री राम जी का जन्म 30 मार्च में आ रहा है, उस उपलक्ष्य के बस्ती दानिशमंदा रसीला नगर के श्री राम मंदिर कमेटी वालों बड़ा उत्साह के नाल अपना असी पर्व जोड़े मना रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य के 29 मार्च में 2 बजे इतों एक बड़ी वीडी विशाल शोभा यात्रा कढ़ी जाएगी। मैं सारी बस्ती निवासी साध संगत को कहना वा कि हुम हुमा के पहुँचन, वध तो वध रौनक जी इस शोभा यात्रा में आई जी। ये जी शोभा यात्रा
ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਪਤੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭਗਵਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਰਾਮ ਜਨੋਸ ਕਮੇਟੀ ਬਸਤੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਊ ਰਸੀਲਾ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 29 ਤਰੀਕ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਬਸਤੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾ ਨਿਊ ਰਸੀਲਾ ਨਗਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਤੋਂ ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ 4-6 ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड जालंधर में माँ के पावन नवरात्रों के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसी दौरान धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें आए हुए यजमानों से विधिवत मंत्रोच्चारण कर हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई। इस मौके पर नवजीत भारद्वाज ने बताया कि मां के पावन नवरात्रों के अवसर पर धाम में खेतरी बीजी गई है और मां के पावन नवरात्रों के पूरे 9 दिन हवन यज्ञ किया जाएगा। इस मौके पर श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, मोनिका कपूर, समीर चोपड़ा, सोनू छाबड़ा, श्रीकंठ जज, मनु जज, हैरी शंकर शर्मा, विक्रम भसीन, संजीव सौंधी, नीरज कपूर, प्रिंस कुंडल, रविंद्र बांसल, बलजिंदर सिंह, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, पंडित पिंटू शर्मा, सुनील जग्गी, बाबा खन्ना, प्रिंस अभिलक्ष्य चुग, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अंत में प्रसाद रूपी व्रत वाला लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। नवरात्रा माँ नव दुर्गा जी के तीजा रूप माता चंद्र घंटा जी जेडे सफेद वस्त्र हाथ घंटा पकड़े वाला शत्रुआ के संघारक स्वरूप शत्रुआ का सर्वनाश करने के सक्षम रही और बहुत सारे शत्रु संघार किए हैं। आज उन्होंने निमित्त हवन यज्ञ के लिए आहुतियां डाली गई हैं और सारे आए हुए जो सेवादार हैं उन्होंने हवन यज्ञ में शामिल होकर नाना प्रकार के फल औषधियां और मिठाइयां के नाल महामाई के निमित्त हवन यज्ञ के लिए आहुतियां दित्तियां और अपने मन दियां जिहड़ियां कामनावां मां दे चरणां च रखियां। महामाई सारे अपने बच्चों के ऐदा ही मेरे भरे हाथ रखे और आशीर्वाद दे। इस दे नाल मैं दसना चाहना रविवार 26 मार्च एक विशाल मासिक हवन यज्ञ है, उस दिन पंचम नवरात्रा भी है। नवरात्रे के हवन यज्ञ के नाल नाल जिहड़ा मासिक हवन यज्ञ भी होगा सवेरे 9 बजे तो लैके 11 बजे तक हवन यज्ञ चलेगा। जिहड़ा भी शामिल होना चाहे खुला सद्दा है, आप ही आओ अपने परिवार अपने मित्र नाल संबंधियों के नाल मंदिर परिसर च पहुंच के महामाई के दरबार से हवन यज्ञ की आहुतियां डालो और अपने जीवन के जिहड़ी सफलता नहीं मिल रही उन्हें प्राप्त करो, उन्होंने दरबार से आओ और मन दी मुरादा पूरी करके जाओ। जकारा मंगला मुखी माता जी का, सिद्ध
शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री रामनवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने श्री राधा कृष्ण मंदिर संजय गांधी नगर जालंधर के प्रधान डॉक्टर जेके शर्मा, आशा शर्मा, रवि सैनी, उषा रानी, मोना कुमारी, संगीता रानी, वीना रानी, शकुंतला देवी, रोहित, संकरण देवी, महक देवी, रानी, वीना, हिनेक, नवदुर्गा, रामलीला समिति, संजय गांधी नगर जालंधर के डॉक्टर सीताराम, रंजीत कुमार, परविंदर सिंह, श्री दुर्गा शक्ति मंदिर शशि नगर जालंधर के पंडित किशन चंद, अश्विनी कुमार, करण, मुनीश, प्रदीप चड्डा, रोबिन कुमार, प्रथम शर्मा, श्री शिव मंदिर न्यू गोविंद नगर जालंधर के पंडित विजय तिवारी, प्रधान रविंदर मेहरा, श्री शिव मंदिर सुभाष नगर जालंधर के चेयरमैन सुखविंदर, कालिया बिट्टू, पंडित उपेंद्र शर्मा, संत श्री आशाराम बापू आश्रम गांव चौगावा बस्ती दानिशमंदा जालंधर के प्रधान यशपाल शर्मा, अमन बग्गा, अशोक गुप्ता, सुरेंद्र शर्मा, विकास जोशी, प्रदीप शर्मा, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कपूरथला चौक जालंधर की संचालिका संधीरा देवी, डॉक्टर आर एल वसन, मान भाई, सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र पाल भाई, सुभाष गुप्ता, कृष्ण मुगलानी भाई से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। राम जी की शोभा यात्रा हर साल जिस तरह मंदिर से निकाली जाती है उसी तरह इस बार भी मंदिर की शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई जाऊगी और मंदिर कमेटी वालों साढ़े मंदिर वालों राधा कृष्ण मंदिर वालों श्री देवी तला के श्री रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जड़ी दिल्ली देवी तला मंदिर बहुत शीतल वालों जी शोभा यात्रा जी कढ़ी जा रही है वो उपलक्ष्य के संजय गांधी नगर राधा कृष्ण मंदिर के साडे मुख सेवादार डॉक्टर शर्मा जी और उन्होंने कमेटी और खेत्र मंडली जी आड़िया मेरी माता मेरिया भैन वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनगिया और प्रभु राम के आशीर्वाद लैके और आसरा लैके शोभा यात्रा बद तो बदल होंगे। जय श्री राम। देवी तालाब जो कि सप्त महापीठों में एक है उसकी तरफ से रामनवमी की शोभा यात्रा जो निकलने जा रही है उसमें हमारी नव दुर्गा रामदास समिति बढ़ चढ़ कर अपने हिस्सा लेगी और इस शोभा यात्रा में अपना योगदान डालेगी। सभी राम भक्तों को जय माता, जय श्री राम, जय माता दी। हाँ जी, दुर्गा शिव मंदिर की ओर से 29 तारीख को देवी तला मंदिर में शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जाएगा। 29 मार्च दिन बुधवार को श्री रामनवमी शोभा यात्रा श्री देवी तला मंदिर तो चलेगी। सारे भक्तजन अपने परिवार समेत देवी तला मंदिर पहुँच के इस यात्रा में शामिल होकर अपने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय सिया राम जी। श्री देवी तला मंदिर से रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसमें सपरिवार होकर के सम्मिलित होकर के श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही शुभ दिहाड़े ते सानू अज देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों साढ़े मंदिर नू साड़ी पूरी संगत नू सदा देन आए जिन्हों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। श्री शीतल बीज जी का प्रधान देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ी 29 तरीक नू श्री रामनवमी के उपलक्ष्य दे विच शोभा यात्रा देवी तला मंदिर तो हमेशा ही निकलती है और निकलती रहेगी जब तक ये सृष्टि है। असी सारे मैं शहर वासियां नू बेनती करदा कि वध चढ़ के प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करो शोभा यात्रा जी शामिल हो के सारे जो देवी तला मंदिर तो शोभा दी तरीक नू निकल रही है तकरीबन 2:30 बजे उतों चालू होएगी वो
साडे मंदिर वालों पूरी प्रबंधक कमेटी पूरी संगत वध चढ़ के हिस्सा लेगी। मैं सारिया इसे करके बधाई दी। जय माता दी। शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर तो 29 मार्च 2023 निकलन वाली श्री रामनवमी शोभा यात्रा च संत श्री आशा राम जी बापू आश्रम वालों वध चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा और संगतां दे दर्शन करके और श्री राम प्रभु के चरणों च पूरी हाजिरी लगाई जाएगी। श्री देवी तलाब मंदिर कमेटी वालों 29 मार्च को जो श्री रामनवमी के उपलक्ष जलंधर शहर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा में संत श्री आशा राम जी बापू आश्रम वालों असी भी अपने आश्रम वालों एक विशाल शोभा यात्रा के रूप के असी भी शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा के साड़िया जड़िया एक साढ़े संकीर्तन यात्रा भी निकालेंगे, उसे अहमदाबाद तो श्री रमाबाई जी पूजे बापू जी के शिष्य पधार रहे हैं और तकरीबन 500 के करीब साढ़े ये संगत भी शामिल हो रही है और नाल ही साढ़े जो बाल संस्कार केंद्र का एक विशाल सुंदर झाकी बच्चा दी और नाल ही महिला मंड उत्थान मंडल वालों महिलावान की एक झाकी होएगी और तकरीबन 20-25 साड़िया संगत कुछ बाइक पर भी होंगे और ये साढ़े राम दरबार श्री प्रभु श्री राम जी का राम दरबार भी और पूज्य बापू जी की भी विशाल सुंदर झाकी भी होएगी और असी पूरे शहर वासियों प्रार्थना करते हैं कि इस श्री राम प्रभु जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य सारे शहर वासी वध चढ़ के हिस्सा लैन और असी नाल ही प्रधान शीतल बीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि वह पूरे शहर के एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों प्रभु राम जी के नाल जुड़ रहे और सनातन संस्कृति को घर घर पहुँचाने उन्हों का बहुत अच्छा योगदान है। असं उन्हों का भी अपने संस्था वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से हम सभी भाई बहनें जो अभी देवी कला मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी रामनवमी की, उसमें सभी भाई बहनें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। मंदिर वालों जी 29 अप्रैल को श्री देवी तलाब मंदिर वालों जी 29 मार्च को श्री राम नवमी के उपलक्ष के विशाल शोभा यात्रा कटी जा रही है, उस प्रजापिता जी के विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी आश्रम वालों हम आ के सारे भाई बहन इस शामिल होंगे और राम नवमी देवी के उत्सव बहुत ही मजा के उत्साह हिस्सा लेंगे। देवी तलाब प्रबंधक कमेटी की तरफ से आज जो आमंत्रित किया गया है उसके लिए हम संस्था की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं और हम सभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहन इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और पूरे नगर निवासियों से हमारा निवेदन है कि इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लें और इस शोभा यात्रा को चार चांद लगाएं। ओम शांति। जय माता दी। ओम शांति। ओम शांति। अज असी देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों आदरणीय भैन जी और सुखपाल सिंह जी होर भी जिन्हें के आश्रम के सदस्य है उन्होंने जी 29 मार्च की जी महान शोभा यात्रा देवी तलाब मंदिर लगाई जा रही रामनवमी वाला ज्योता दिन आए थी, इन्होंने साडा ज्योता कबूल कर लिया और फिर मैं एक बार कमेटी वालों इन्हों रिक्वेस्ट करता कि सारे जिदा भी साढ़े यात्रा सारे सिंगे होंगे है और सारा सारे जिन्हें संख्या करते हैं भैन भरा कि सा पैदल चलते कदम ना कदम वार में अभी इन्होंने वारी हाँ और महामारी अगर पास करते हैं अभी इन्हें रल मिल के सारे जिन्हें की और जिन्हें साढ़े है त्यौहार इन्हें रल मिलते हैं। जय माता दी। ओम शांति। ऋषि चैतन्य कथा समिति की तरफ से बल्टन पार्क जालंधर में 4 दिवसीय अमृत वर्षा सत्संग समागम गुरु मां आनंद मूर्ति के सानिध्य में करवाया जा रहा है, जिसके पहले दिन गुरु मां आनंद मूर्ति ने चिंता मुक्ति के साधन उपस्थित संगत को बताए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन के विचारों का सागर ही भव सागर है और भव सागर पार पाने का एकमात्र उपाय प्रभु के नाम का सुमिरन है। उन्होंने कहा कि जब कोई इंसान
अपने आप को ईश्वर समझने लगे कि मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरी मेहनत से ही सब कुछ हुआ है, तो वह अपने मन में चिंता का वायरस पैदा कर रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। अपने आप को ईश्वर समझने लग जाए। जब कोई अपने अहंकार को शिखर पर बिठा दे, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मेरी मेहनत से ही सब कुछ हुआ है, ये ख्याल अगर किसी के दिमाग में आ गया तो जानिए उसने चिंता के वायरस को अपने मन में जगह दे दी है। वायरस से तो देखिए पूरी दुनिया बड़ी अच्छे से परिचित हो गई इस कोविड में। हजारों लोग इस ना दिखने वाले वायरस की वजह से मृत हुए। बड़ा भयंकर काल इस देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और भारत के बहुत से साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की ये खोज है, समझ है कि इस समय 5 में से हर 5 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। ये मैं घर से आंकड़े नहीं लेके आया। और ख्याल रहे आज भी हिंदुस्तान में एक साइकियाट्रिस्ट के पास कोई बड़ा भयंकर भीषण रोग हो जाए, कभी कोई जाता है लेकिन आज भी उदासी या डिप्रेशन या रात नींद नहीं आती, सिर्फ इतनी भर बात के लिए कोई साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाता, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है कि ये तो पागलों के डॉक्टर होते हैं। वैसे पागल को ना जरा अपने आसपास नजर गड़ा के देखो, तुम्हें कोई अकलमंद दिखता है क्या? भीड़ तो पागलों की ही है। जिसको बोलते हैं ना कुएं में बांध पड़ गई तो पूरा गांव पागल हो गए, नहीं हो सकता। वारिस पंजाब दे संस्था के मुखी भाई अमृतपाल सिंह, जो कि पिछले दिनों से पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, अमृतपाल की पाकिस्तान भागने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से बीएसएफ को सख्त हिदायत जारी की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमृतपाल के फरार होने के मद्देनजर समूह एजेंसियों की ओर से मिली जानकारी पर भारत सरकार ने बीएसएफ के जवान जो पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके उच्च अधिकारियों को भारत सरकार ने अमृतपाल सिंह की अलग अलग रूपों की तस्वीरें जारी करके बताया कि इन तस्वीरों वाले भेस में अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय सीमा पर आकर भारत से पाकिस्तान भागने की कोशिश करता है तो उसे मौके पर गिरफ्तार किया जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात राज्यों की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, वहां भी बीएसएफ को अमृतपाल सिंह की अलग अलग तस्वीरें जारी की गई हैं। तो वहीं ये तस्वीरें अटारी सीमा के साथ लगती कंडियाली तार पर ड्यूटी निभाने वाले जवानों को भी जारी की गई हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फिरोजपुर फाजिलका रोड पर पड़ते गांव खाई फेमे में हुआ एक भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 10 घायल। संगरूर के अधीन आते गांव बखोरा कला में पति पत्नी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, घर बनाने के लिए कर्ज को ना चुका पाने से थे परेशान। बठिंडा के धोबियाना बस्ती में दुकान खाली करवाने को लेकर हुई लड़ाई में पुलिस ने 5 दोषियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।